नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीएचयू पाठशाला पे बड़ा ही गंभीर मुद्दे पे डिस्कशन होने जा रहा है, बहुत दिन से ट्रेंडिंग भी है। बीएचयू का पेपर हुआ और टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और ये पेपर पहली बार बीएचयू का कराया और पूरा का पूरा बच्चों के उम्मीदों पर पानी पसेर दिया। दोस्तों, बीएचयू पाठशाला पे ऑलरेडी हम लोग एनटीए के विरुद्ध बहुत सारे वीडियोस दिए। इवन मैं ऑफिशियली बीएचयू प्रशासन से बात कि उनको हार्ड कॉपी में एप्लीकेशन और जो भी विटनेस तौर पे था मैंने सबमिट कराया। इस बात को बीएचयू भी एक्सेप्ट करता है कि एनटीए पेपर अच्छे से नहीं कराया, बट अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला आज इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और आज हम लोग ट्विटर ट्रेंडिंग भी चलाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बाकी मुद्दा हम दोनों लोग का है, यानी बाकी बहुत सारे बच्चों का है और उसमें टीचर आपके साथ पूर्ण रूप से लगा हुआ है। बीएचयू पाठशाला आपके साथ समर्थन में है और तमाम जो बाकी यूट्यूबर्स है उनके समर्थन में है। और ये हमें भी अच्छा नहीं लगा कि एनटीए जो है वो एक के साथ दूसरा और दूसरे के साथ तीसरा गलती करता चला गया, तो ऐसे में इसका एक पनिशमेंट और एक समाधान निकलना निश्चित रूप से जायज है। दोस्तों, इसके लिए आप चैनल पे बने रहिए, जितना अधिक से अधिक सपोर्ट हो सके प्लीज सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कीजिए कि अल्टीमेटली अगर कोई कंपेन उठाना पड़े तो आपका सहयोग बना रहे। वैसे तो अभी ऑनलाइन पे हम लोग कंपेनिंग कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर ऑफलाइन पे भी अगर हो सके तो हम लोग आपके साथ हैं और आपका साथ उसमें हमें बनाए रखना पड़ेगा। सो प्लीज डू लाइक एंड डू शेयर, इस वीडियो को बहुत विस्तारित रूप से शेयर कीजिएगा और फर्स्ट ट्रेंडिंग पे चलाइएगा, क्योंकि अभी मैं जो जो पॉइंट्स रखने वाला हूं वो बाकी चीजों से, बाकी लोगों से थोड़ा सा हटके है। सबसे पहले जो ट्विटर आज कंपेनिंग स्टार्ट होने जा रहा है 6:00 समथिंग पे, ये आप आज जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। लेकिन कल की डेट में भी आपको 12 से लेकर 2 के बीच में कंटिन्यू ट्रेंडिंग करनी है, यानी 12 से क्या आप 11:30 से समझ लो, 11:30 से लेकर 2 बजे के बीच में कंटिन्यू आपको ट्विटर ट्रेंडिंग करनी है। ये बीएचयू पाठशाला का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल होगा, वैसे आप अपने अकाउंट से कीजिएगा कोई इशू नहीं है। जिनको नहीं समझ में आएगा, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसके थ्रू डायरेक्टली आप इस यहां पे लिखा होगा महोदय करके मैं लिख दूंगा पूरा, अभी कुछ देर बाद ही इस वीडियो को जब तक देखो तब तक यहां पे लिख चुका होगा, और आप बस उसको रिट्वीट करना और अपनी प्रॉब्लम्स पर्सनली इंडिविजुअल अपनी प्रॉब्लम्स लिखना कि भागलपुर में पेपर पहले सबमिट हो गया, एमएमई में 20 मिनट पहले सबमिट हो गया, कहीं कहीं पेपर लेट मिला है, एडमिट कार्ड में किस तरीके से प्रॉब्लम आई, पेपर किस तरीके से 28 क्वेश्चन हमारे बर्बाद करने वाले क्वेश्चन दिए गए, कैसे यूपीएससी लेवल के प्री लेवल के क्वेश्चन दिए गए, कोई एनालिसिस नहीं रहा, बहुत जो बेदर्दी की गई, जो प्रॉब्लम समस्याएं बच्चों के सामने खड़ी की गई, ये तमाम चीजें इंडिविजुअल तौर पर आप लोग लिखना। उनको लगना नहीं चाहिए कि प्रोपोगंडा किया जा रहा है, उनको लगना चाहिए ग्राउंड लेवल पे ये बच्चों के साथ नाइंसाफी की गई है। So, इसीलिए गाइस इसको थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से हम लोग ट्रीट करते हैं। रात में ट्रेंडिंग कराने का मतलब हो जाता है थोड़ा पॉलिटिकल, यानी उसको बस दुनिया जाने और उसका कोई सलूशन ना निकले, जैसे कि एमएसपी और बाकी चीजों का आप लोग देखते रहते हो, बेरोजगारी वगैरह का, लेकिन ये हमारा इसका सलूशन निकालना है, इस पे समाधान चाहिए हम बच्चों को, हमें इस पे बस ट्विटर हैंडल पे करके सोना नहीं है। इसीलिए मैं एप्लीकेशन बाई हैंड ग्राउंड लेवल पे दे रहा हूं कि कम से कम उन पे कुछ एक्शन आए, उनको समझ में आए, यही रीजन है। तो दोस्तों प्लीज रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर सब्सक्राइबर, यहां पे मैं जिसको जिसको टैग करूंगा आप लोग भी उनको उनको टैग करना, यानी एचआरडी मिनिस्ट्री को, बीएचयू पीआरओ ऑफिस और वगैरह जो भी है एनटीए ऑफिशियल को, ये सभी सभी आप लोग पढ़ लेना और बकायदा उसको रिट्वीट करना, आज भी करना है। बाकी जो लोग कर रहे हैं यूट्यूब चैनल प्लीज उनको सपोर्ट करना जरूर, आप लोग उनके ट्विटर जो टाइमिंग दी गई उस पर रिट्वीट जरूर करो, हम भी करेंगे, लेकिन आप सभी लोग कल भी रिट्वीट करना, कल दोपहर में करना, क्योंकि देखो जो ऑफिशियल्स होते हैं ना वो ट्विटर हैंडल पे, जैसे पीआरओ ऑफिस होता है, हर किसी का अपना कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता है, वो दिन में एक्टिव रहेगा ना, वो ऑफिशियल टाइम एक्टिव रहेगा, तभी तो आपके उस टाइम पे प्रॉब्लम, जैसे अब कोई मान लो अंकित नाम का लड़का, उसने लिखा सर भागलपुर में इस तरीके से प्रॉब्लम आई है, आप बाकी भी भागलपुर के बच्चों का कॉमेंट्स देख लो, वो सब लोग बोल रहे हैं, जब इतनी सारी कॉमेंट्स एक साथ जाएंगे तो भाई वो अंधा नहीं है, उसको भी लगेगा यार कुछ तो नाइंसाफी हुई है, कुछ तो गलत हुआ है, तभी इतने बच्चे परेशान हुए हैं, कोई को शौक नहीं लगा हुआ, इतने साल से पेपर हो रहा था, बच्चे नहीं आवाज उठा रहे थे, तो इसलिए आपको ऑफिशियल टाइम में ट्वीट करना है। समझ में आया मेरी बात, ये बात सही समय पे सही जगह पहुंचानी है। सो प्लीज रिक्वेस्ट टू माय डियर सब्सक्राइबर, माय फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपके लिए एक सही तरीके की चीजें लाता रहूंगा जैसा हमेशा लाया हूं, लेकिन अभी मैं आप बस इतना ही बोलूंगा कि आज अगर आप ट्विटर हैंडल ट्रैक ट्रेंडिंग करा रहे हो तो कल आप जरूर कराइए, कल भी। बाकी डिटेल्स में मैं डिस्क्रिप्शन में लिखा हूं, एक बार आप जरूर पढ़िएगा डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ, मैं पूरा डिटेल में लिखूंगा वहां पे कि किस तरीके से आपको ट्विटर पे जाना है, कैसे क्या क्या करनी है, आपको दिन में भी कराना है, ठीक है, जिससे कि मैसेज जितने भी ऑफिशियल टैग किए हुए हैं उनको मिले, तो ऑफिशियल टाइम में वो उस पर इंक्वायरी करें, उनको लगे, और हर कोई अपने
रियलिटी ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स लिखे, जैसे जिनको क्वेश्चन लेवल में प्रॉब्लम आई है वो लिखे, जिनके पेपर जल्दी सबमिट किए गए बाद में जल्दी ले लिए गए लेट दिए गए ये तमाम चीजें लिखे, एडमिट कार्ड की जो प्रॉब्लम रही है वो लिखे, इस तरीके की जो जो प्रॉब्लम्स कुछ लोग के वहां पे सेंटर्स पे ओएमआर गलत तरीके से फिलअप कराया गया है, कुछ लोग के रोल नंबर्स नहीं दिए गए, ये जो तमाम चीजें हैं, बहुत सारे इंजुलेटर अच्छे से पेश नहीं आया और इंजुलेटर की वजह से भी कुछ कमियां रही हैं। सो गाइस प्लीज रिक्वेस्ट टू ऑल माय सब्सक्राइबर, आप लोग ये सभी चीजें सही तरीके से फॉलो करो, बाकी मैं वन बाय वन करके आपको चीजें बताता जाऊंगा, अपडेट देता जाऊंगा, इसलिए प्लीज आप लोग बने रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द दे दूंगा उसको आप फॉलो कीजिए और प्लीज सपोर्ट और यूनाइट हो जाइए और हम लोग कंपनी अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और हम लोग हमेशा प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, ओके। सो प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, चैनल पे बने रहिए, सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा जिससे कि हर बच्चा इस कंपनी का हिस्सा हो सके, ठीक है। बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम है मैं आपको बताऊंगा, बहुत जल्द हम लोग बीएचयू ऑफिस नजदीक है तो मैं यहां जाके फिर से बात करूंगा और उसका वीडियो भी आपको दे दूंगा कि क्या बातें हुई है क्या डिस्कशन निकला, ठीक है। बाय बाय, जैसे किस तरह प्लीज गाइस सपोर्ट जरूर कीजिएगा।